Jalebi bhai, jalebi bhai, jalebi bhai, jalebi bhai. ओ जलेबी भाई थोड़ी सीधी हो जा, चल किचन में चल के कुछ काम कर ले। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी नाजुक सी बीवी से इतना काम करवाते हो? शर्म तो आती है मेरी कश्मीर की कली, पर क्या करे, किचन में चल के आलू के पराठे भी तो तुझे ही बनाने हैं ना। मैं कितने थक जाती हूँ कुकी, तुम मुझसे कितना काम करवाते हो। क्या तुझे नहीं लगता कि तू मुझे थोड़ा आराम दे, तू मुझे मॉल ले जाए और मुझे गाड़ी में घुमाए, बंगले में रखो और मल्टीप्लेक्स में ले जाकर के फिल्म दिखाओ। क्या तू ये नहीं कह सकता कि अपने पैर जमीन पे मत रखना, मैले हो जाएंगे? मैंने इन सब बारे में ना सोच रखा है। सच्ची? तो फिर ले चलो ना। अरे आज नहीं, कुछ दिन बाद। बस एक बार मैं दुबई पहुंच जाऊं ना, फिर तेरे सारे सपने ये पूरे कर दूंगा। तू मुझे छोड़ के दुबई जा रहा है? बस 2-3 महीने, फिर मैं ना तुम्हें वहीं बुला लूंगा। सच्ची? मुच्ची, वो एजेंट ने कहा है कि सामान पैक करके रखना, जल्दी ही निकलना होगा, बस उसकी फीस देनी है और हवाई जहाज पकड़ के दुबई। कितनी फीस है उसकी? उसकी फीस और किराया मिलाकर 80,000 रुपए। 80,000? इतने पैसे कहां से आएंगे कुकी? अरे मैंने उस बारे में ना सोच रखा है, मैं जल्दी इंतजाम करके आता हूँ। ठीक है? ठीक है। जा जा जल्दी जा दुबई। जलेबी भाई, जलेबी भाई, जलेबी भाई, जलेबी भाई। मम्मा मम्मा। रावी रावी बोलो। जब तक दादू जी हैं तब तक मैं लड़कियों के कपड़े पहन सकती हूँ। रावी ऐसे कैसे तू लड़की के कपड़े पहन सकती है? दादू नहीं है तो क्या हुआ, बाकी सब लोग तो है ना, और अमन और रोहन तो कभी भी तुझसे मिलने आ सकते हैं। मम्मी उनसे कह देना कि रविंदर बीमार है। अच्छा, अगर मैं उनको ये कहूंगी कि रविंदर बीमार है तब तो भागे भागे सीधे तेरे पास आ जाएंगे। मम्मी कुछ करो ना। अरे मुझे इस बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम लड़की के कपड़े सिर्फ तब पहन सकती हो जब हम दोनों अकेले होंगे, बस। क्या हुआ कुकी? परजाई जी क्या छुपा रहे थे, कोई खास चीज है क्या? कुकी तू यहाँ पर क्यों आया है, तुझे क्या काम है? 80,000 रुपए चाहिए। हाँ वो नीचे। क्या कहा, कितने रुपए? 80,000 रुपए चाहिए। 80,000 रुपए? क्या करेगा तू उनसे? वो पिंड विच साडा घर है ना, उसकी मरम्मत करवानी है। छत तो अपनी जगह है पर दीवारें गिर गई है। क्या, छत खड़ी है और दीवारें गिर गई है, ये कैसे हो सकता है? अरे वो जो पिलर होते हैं ना, पिलर खंबे, उनके सहारे खड़ी है, और मरम्मत के लिए 80,000 रुपए चाहिए। मेरे माँ पे तो सड़क पे आ जाएंगे। हाय रब्बा, ये तो बहुत बुरा हुआ। कुगी तू एक काम कर, तू ना अपने सब घर वालों को यहाँ पर बुला ले, हमारे घर पर। वैसे भी तेरा पिंड बहुत दूर तो है नहीं, तू सबको यहाँ बुला ले, हम सबका ध्यान रखेंगे। ठीक है? किन किन को बुलाऊं? परजाई जी, प्राय परजाई जी है, बच्चे है। कुगी मैं भी क्या करूँ, अब रकम इतनी बड़ी है कि मैं तुझे बिना पापा जी से पूछे कैसे दे सकती हूँ। जब पापा जी आएंगे तो ही मैं कुछ कर पाऊंगी। बरसात हो गई तो सारा घर भीग जाएगा। अच्छा अच्छा तू रो मत। तो मैं काम करती हूँ, जब जसबीर प्राजी यहाँ पर आएंगे ना तो मैं जसबीर प्राजी को बोलूंगी कि वो तेरे पिंड में जाए और तेरे घर की मरम्मत का इंतजाम करे। ठीक है? अब रोना बंद कर। जसबीर प्राजी? परजाई जी मैं नहीं कर सकता क्या? अरे अब तू अपनी परजाई जी से बहस करेगा? हाँ चल जा किचन में काम कर। ए लड़की ऐसे हंस के क्या देख रही है, तूने दरवाजा खुला छोड़ा देखा तूने? लड़की कपड़े पहनता हूँ। पहले दरवाजा बंद कर। ठीक है। अच्छे कुंडी कुंडी लगा दे, कुंडी। आप पहनाएंगे तुझे फ्रॉक। हेलो। हेलो जनाब, मैं कुकी साहब नाल गल कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो, मैं कुकी साहब ही बोल रहा हूँ। ओ जनाब मैं एजेंट विनोद बोल रहा हूँ, कुकी साहब। हाँ विनोद साहब बोलिए बोलिए। ओ कुकी जी आपका परसों दुबई जाना पक्का हो गया है? मैंने भी अपना सारा सामान बांध लिया है। तो बस फिर आप कल सुबह 80,000 रुपए लेके मेरे ऑफिस में पहुंच जाइए। विनोद जी मैं क्या कह रहा था
ये जाने का बंदोबस्त थोड़े दिन बाद नहीं हो सकता क्या? देखो कुकी साहब, अगर आप परसों नहीं गए तो अगले साल तक रुकना पड़ेगा है? अब आप देख लो क्या करना है, परसों जाना है कि अगले साल जाना है? नहीं 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 नहीं, नहीं। आप चिंता मत कीजिए, मैं परसों सवेरे पैसे लेके आ जाऊंगा। ठीक है। तो इसने तो इमरजेंसी डाल दी। शीला शीला की जवानी, I'm too sexy for you, मैं तेरे हाथ ना आनी। क्या हुआ कुकी? अरे तेरा मुंह क्यों लटक गया? एजेंट का फोन आया था, मेरा दुबई जाने का इंतजाम हो गया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। परसों ही जाना है। ओए ये तो और खुशी की बात है। पैसों का इंतजाम नहीं हुआ है। ओए ये तो और क्या क्या कहा तूने? पर मैं ना हार नहीं मानूंगा, तुझे गाड़ी में घुमाना है तो घुमाऊंगा, बंगले में रखना है तो रखूंगा। बस तू मेरा एक छोटा सा काम कर दे। कैसा काम? अपने जेवर मुझे दे दे। क्या क्या कहा तूने? मैं सोच रहा था तेरे जेवर गिरवी रख के मैं दुबई जाता हूँ, वहाँ ना सोना भी सस्ता है, दो दो किलो के हार बना के पहनाऊंगा तुझे। ओए कुकी, मैं तेरे इन फालतू के चक्करों में आने वाली नहीं, मैं तो तुझे चांदी का छल्ला ना दूं। हाँ। तो सड़ती रही रसोई में उम्र भर। ना मांगू सोना चांदी, ना मांगू बंगला गाड़ी, ये सब मेरे किस काम के? बंसो, ये कुकी कहाँ है? सुबह से उसे ढूंढ रही हूँ, कहीं नहीं मिल रहा है। अरे मैं भी तो कुकी चाची को ढूंढ रहा हूँ। लेकिन ये जाने वाले हो सके तो लौट के आना। ए चुप चुप रविंदर। जाने वाले हो सके तो लौट के आना। बंसो गाना बाद में भी गा सकते हैं, मुझे ये बता कि ये कुकी कहाँ है? सुबह से उसे ढूंढ रही हूँ, सारा काम पड़ा हुआ है। पता नहीं पड़ जाए कहाँ चला गया कुकी। ये कुकी कुकी क्या कर रहे हो सुबह से? कौन है कुकी? अरे मेरा खसम है कुकी। तेरा खसम? तूने क्या दूसरी शादी कर ली? अरे बेबे मेरी दूसरी शादी नहीं है, ये पहली है। अरे कुकी मेरा पति है, मेरी पहली शादी है। सुबह उठी तो वो कमरे में नहीं मिला है, कुकी आए। तो क्या उसने दूसरी शादी कर ली? बेबे आप सबर रखो और बंसो तू भी रोना बंद कर। कुकी यही कहीं बाहर गया होगा आसपास, आ जाएगा वापस। नहीं परजाई जी, वो कमरे में नहीं है, उसका सामान भी नहीं है। क्या उसके कपड़े नहीं है? तो अपने पिंड गया होगा, उसका पिंड पास में ही तो है, आ जाएगा। अरे परजाई जी वो पिंड नहीं गया, वो तो दुबई गया है। दुबई? अलख निरंजन, गोरजा माई भला करेगी। ये सुबह सुबह मंगता कौन आ गया? बंसो जा, जाके उसके चोले में कुछ डाल दे और उसे चलता कर। ठीक है। खुशी खुशी जा, ऐसे मुंह बना के जाएगी। ओ जाने वाले हो रविंदर के तो लौट के आना। क्या है साधु बाबा, चुपचाप बैठो, अभी जाके देती हूँ रोटी। हम तुम्हारी समस्या दूर करने आए हैं बंसो। हा? रोटी खाने नहीं बाबा। आपको मेरा नाम कैसे पता बाबा? बम बोले अच्छा साधु, कम बोले पर जब बोले सच्चा बोले। अब तू भी सच सच बता बंसो, क्या तेरा पति घर में है? नहीं साधु बाबा, नहीं साधु बाबा। बता क्या तेरा पति घर में है? नहीं साधु बाबा, वो तो कल रात से ही नहीं है बाबा। क्या तुम दोनों का गहनों के लिए झगड़ा हुआ था? हाँ बाबा, हाँ बाबा, आपका कैसे पता?
अलख निरंजन, पर तेरा असली गहना तो कुग्गी है ना बंसो। जादू बाबा, मैं भूल गई थी यार मेरा कुग्गी। तो ठीक है ठीक है, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तेरा कुग्गी भी वापस आ जाएगा। हाँ, वापस आ जाएगा। और तेरे गहने भी यहीं रहेंगे, बस उनकी पूजा करनी पड़ेगी। कब करेंगे बाबा पूजा? अभी कर देंगे, पर गुप्त पूजा है। जाओ चुपचाप जाकर गहने ले आओ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है बाबा, ठीक है। चलो अंदर चलो, कुग्गी को ढूंढते हैं। कुग्गी तो बाहर गया है बाबा। अरे कुग्गी अंदर ही है, सबके दिलों के अंदर। चलो अंदर बच्चा, चलो अंदर। चल सन्यासी मंदिर में। आइए बाबा, चलो आइए, चलो आइए बाबा। अलख निरंजन, आइए आइए साधु बाबा, आइए। अलख निरंजन। बंसो तू इसे अंदर क्यों लेके आ गई? बेबे मैं जानता हूँ कि आप मेरे आने से खुश नहीं हो। तुझे कैसे पता है मैं बेबे हूँ? मैं अंतर्यामी हूँ, मैं सब जानता हूँ। मैं यहाँ कुगी को वापस लाने आया हूँ। साधु बाबा मैं बस अभी आपके लिए ठंडा ठंडा शरबत लेकर के आती हूँ। जाओ बालिके। बाबा जी क्या आप गुम हुए लोगों को ढूंढ लेते हैं? बाबा खड़क सिंह खड़ताल अपनी तीसरी आंख से सब कुछ देख लेता है। खड़क सिंह खड़काल? बाबा जी बचपन में ना मेरी एक सहेली गुम हो गई थी, आप उसे ढूंढ सकते हैं? बाबा खड़क सिंह खड़ताल क्या नहीं कर सकता। आप एक काम करो बेबे, जाओ अपना कोई फटा पुराना कपड़ा लेकर आओ, हम उसकी पूजा करेंगे और सब बता देंगे। अभी लाती हूँ बाबा जी, अभी लाती हूँ मैं। अमृता बेटी जी, तुम्हारा पुत्र रविंदर बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा, हम उसे आशीर्वाद देना चाहते हैं। जाओ और उसे ले आओ। पापा जी आप मेरे रविंदर को भी जानते हैं? बाबा सब जानते हैं। जाओ मैं रविंदर को लेके आती हूँ। अलख निरंजन। क्या लेने आई हूँ, भूल ही गई हूँ क्यों आई हूँ मैं कमरे में। मेरी ना भूलने की बीमारी तो बढ़ती जा रही है, क्या करूँ मैं? वाह गुरु, रविंदर। अरे वाह तू तो बहुत प्यारी लग रही, एकदम परी। क्या हुआ? मम्मी अपने दरवाजा खुला रख दिया। ओह तुम लोग पूछोगे कि मैं कौन हूँ? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल पूछेंगे, आप कौन हो? उससे पहले मैं बताता हूँ कि तुम लोग कौन हो। तुम लोग रविंदर के दोस्त हो।
तुमको कैसे मालूम? हाँ हाँ ये तो सब जानते हैं ना। तुम लोग खालसा स्कूल में पढ़ते हो? ये सब नहीं जानते। तुम रोहन हो और ये है अमन, निम्मो आंटी का पोता। ये सब जानते यार। सच कहते हो बाबा? पर मेरी दादी आपकी आंटी कैसे बन सकती है? और ये है रविंदर, कभी लड़का तो कभी लड़की। लड़का लड़की तो क्या हम मेरे स्कूल में मेरा नाटक देखने आए थे? नहीं, पर मैं सब का नाटक देखता हूँ। अलग निरंजन कुग्गी तेरे क्या कहने, बंसो लेकर आजा सब गहने। अलग निरंजन लीजिए बाबा जी, पहले ठंडा ठंडा शरबत पीजिए। कल्याण हो। कहने ले आओ जी बाबा जी। जो लड़का है वो लड़की है, कभी कभी फ्रॉक भी पहनता है। और जो लड़की है वो लड़का है। जो बाबा है वो बेबे, और जो बेबे वो बाबा है। जो चादर है वो पर्दे हैं, जो पर्दे हैं वो चादर है। अरे 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 बस बस बस, क्या ये सब लगा रखा है तुम लोगों ने, बस बंद करो। जो रविंदर है वो रविंदर है। वो रविंदर है जो रविंदर है। अच्छा अब आप सब अपना अपना काम करो, मैं थोड़ा बरामदे में जाकर विश्राम करता हूँ। अलख निरंजन, अलख निरंजन। शुक्र है ये बाबा गया। हाँ बेबे, मैं तो चली पाठ करने। बेबे भी बाबा बहुत चालू है ना। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुझे भी ऐसा लगता है? हाँ। मुझे भी ऐसा लगता है। चलना पड़ेगा। ए बच्चा पार्टी, क्या बातें हो रही हैं? चल चले। अरे मेरी बात तो सुनो। ए बच्चा पार्टी, कहाँ जा रहे हो? बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी। चलो मैं तो बोलूँ के अंदर जाता हूँ। बाबा जी। वाह कुकी वाह, किसी को पता नहीं चला। बाबा देखो बाबा जी, चलती हूँ मम्मी को बुलाते। मम्मी 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 मम्मी, क्या हुआ बच्चा पार्टी? क्या हुआ, क्या हुआ, क्या बोलो सच। हाँ जी बाबा जी, मैं गहने ले आई हूँ पूजा के लिए। मैं भी पूजा के लिए तैयार हूँ, डाल दो गहने। लाओ बंसो, ये क्या कर रही हो तुम? पर जाए जी, मैं कुग्गी को वापस लाने के लिए गुप्त पूजा के लिए गहने दे रही थी बाबा जी को। अच्छा, और अगर कुग्गी ये पूजा किए बिना ही वापस आ जाए तो? हाँ पूजा के बगैर कुकी वापस आ जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। बच्चों कुकी चाचा को ढूंढ के तो बताओ।
दाढ़ी। अरे मैं तो तुम्हारे सपनों के लिए ये सब कर रहा था ना बंसो। कुकी, बंसो, तुम दोनों के सपने पूरे होंगे, मैं तुमसे वादा करती हूँ। और कुकी, परसों मैं तुम्हारे साथ एजेंट के साथ चलूंगी, 80,000 रुपए लेकर तुम्हें दुबई के लिए रवाना करेंगे, ठीक है? पर पापा जी। पापा जी की तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मैं हूँ ना, मैं उनसे बात कर लूंगी। अब ऐसे खुश होगे, मुझे देखते रहोगे, अंदर भी चलोगे? चलो 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 चल